हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं फाइनली अपने होटल में आ चुका हूँ। होटल तो नहीं कहेंगे, ये हॉस्टल है और यहाँ पे हमने रूम लिया है और मैं आपको रूम टूर दूंगा। ये देखिए हमारा रूम है और ये ऐसे अभी थोड़ा मैसी सा हो गया है। ये हमारा बेड है, यहाँ पे हम नीचे तीन लोग सो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बट उन्होंने बोलते हैं कि एक्स्ट्रा बेडिंग दे देंगे, बट हम यहाँ में आराम से सो जाएंगे। ऊपर एक हमारे साथ जॉइंट हाथी है, ऊपर जॉइंट हाथी सो जाएगा और यहाँ बैठने बैठने का सिस्टम है। ये हमारा अलमीरा, ये वॉशरूम मेरे को काफी अच्छा लगा, क्लीन है बिल्कुल। यार प्लीज इग्नोर दिस शिट वॉइस। आप ये देख सकते हैं वॉशरूम कितना बढ़िया है। यहाँ गीजर नहीं है, आपको बता दें हम। चलो गाइज, अब आगे हम कभी शाम में या रात में पार्टी करेंगे या कहीं जाएंगे, वैसे तो हमें पता है हम सोने वाले हैं, कहीं नहीं जाएंगे, तो तब आपको दिखाएंगे पार्टी एंड ऑल। चलो गाइज मिलते हैं, तब तक के लिए ये आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बढ़िया व्यू है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये झरना बह रहा है, ये पूरा ऐसे करके वहाँ तक जा रहा है, ब्लू लाइन तक। इसको स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम का नाम है हॉस्टलर द स्ट्रीम। बहुत ही बढ़िया है, ये देखिए वहाँ से आ रहा है प्रॉपर, तो जूम करके दिखाते हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, इट्स लुकिंग लाइक अ वाव। फाइनली मैं सो के उठ चुका हूँ, अब हम आगे का जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऋषिकेश जाएंगे और ये भाई कह रहा है कि क्या कहते हैं हम उत्तराखंड चलते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं हमारा दोस्त है उसे मटन बनवा लेते हैं। और उसके आगे कहाँ घूमने के लिए बोल रहे थे? शहस्त्रधारा। तो अभी हम डिसाइड करेंगे बैठ के, इंकी पिंकी पोंकी और डोंकी वाला करेंगे, उससे डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे। और आज वैसे भी कुछ लोग नहीं नहाने वाले, बट मैं तो व्लॉगर हूँ तो मैं डेली नहाता हूँ। अरे झूठा इंसान, इतना झूठ बाप रे बाप। कल भी नहाया था मैं। आलू लेवे को भी लेवे लेवे ही ढूंढना। हेलो गाइस, वेलकम। क्या भाई क्या चाल मिलता है। गाइस हम फाइनली निकल रहे हैं अपनी इस प्रॉपर्टी से, अब आगे शायद हम देहरादून जाएंगे। देहरादून में हमारे लिए लंच प्लान हो रखा है, कोई उमंग के फ्रेंड वगैरह हैं वहाँ पे, देहरादून में हॉस्टल वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए मटन वगैरह बन रहा है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। फाइनली आप ऊपर से यहाँ से एक बार प्रॉपर्टी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, रात में बहुत अच्छा फील आता है, वाइब आती है भाई मेरी। और मेरी सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि मैं ये बैग लेके नीचे से चढ़ान से ऊपर तक लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से भी प्रॉपर, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बह रही है। और अभी मेरे को ये चढ़ के और जाना है, इसलिए मैंने थोड़ा रेस्ट ले लिया। फाइनली ऊपर आ गए हैं, हमने सारा बैगेज वगैरह कार में रख दिया है, अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया तगड़ा सा, उसके बाद निकलेंगे। सरप्राइज तो मैं बता चुका हूँ, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ मटन मिलेगा हमें, उमंग का कोई जानने वाला है, ऑलरेडी सब बता चुका हूँ। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है बढ़िया तरीके से, हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं देहरादून की तरफ। और ये हम गाड़ी स्टार्ट करते हुए फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू शूट हुई थी, टू या वन शूट हुई थी। तो आप देख सकते हैं बढ़िया लोकेशन है बिल्कुल, ग्रीनरी आगे। अभी वो वाला स्कूल चेक करें ना, अभी वो वाला स्कूल आएगा, कॉलेज आप देख सकते हैं गाइस, आपको यूनिक कंटेंट देखने को मिल रहा है, वो वाला कॉलेज स्कूल जो भी है। ये देखिये ये लड़की आ रही है वहीं से पढ़ के, भाई अंदर केवी है, वो केवी की ड्रेस है, अंदर केवी भी है, अंदर वो कैंपस भी है, उसमें म्यूजियम बना हुआ है, चार म्यूजियम है टोटल। ये देखो गाइस, ये हमारे साथ गाइड है, गाइड भैया। गाइड भैया गलत ले आए, नहीं आपको वहाँ पहुँच के कैंपस ही दिखाते डायरेक्ट। ये है क्या जो सामने आ रहा है? क्या कैंपस तो भैया कौन सा रोड है? अच्छा टिकट ले लिए कैंपस, अब बोला बोला कैंपस। अरे भैया चलिए गलती नहीं, देख लेंगे, टिकट लिया हुआ हम लोग, बहन का चोर को बोले माई चोर देंगे, वीडियो बंद कर दीजिएगा। क्यों
हो गया तुम्हारी जानी चाहिए, कर्णिका भी देखती है ये देखो ये रहा वो कैंपस। तो ये स्कूल गेट पे से नमाज से वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैं यहीं से पढ़ के पास होऊंगा और अब मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनूंगा। एक तो बन गया दिए हमने, यहाँ वॉशरूम भी तो होगा। हाँ सब कुछ है यहाँ, कैंटीन वॉशरूम सब है। वॉशरूम पैसा दिए बच्चा लोग का। कौन सा टीचर आ गया स्कूल में? यहाँ पढ़ाई थोड़ी ना होता है यार। फिर म्यूजियम आ गए हैं कैंपस के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कपल्स जा रहे हैं आगे। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बट हम यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह नहीं आए हैं, हम आए हैं जो अग्नि, हम सिर्फ अग्नि आए। धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए कृष्णा कॉटेज सर नहीं बना, ठीक है ना भैया? वॉशरूम व्लॉग तो हम बना ही रहे हैं, बट ये साला चूतिया बीच में फ्रेम में आ रहा है। बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत ज्यादा ये तो पूछिए फ्रेश हो गए हैं, 40 कर लिया, फ्रेश नहीं हुए, फ्रेश हुए हैं भाई, इसे मुंह धोए हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। हेलो गाइस, मैं जानता हूँ मैं एक प्रोफेशनल हूँ और ये अभी नूब है, तो मैंने अभी सिखा रहा हूँ। ये नूब का मतलब बात नहीं, हम सीख लेंगे, सीखना है अभी, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लाडो रानी आ रही है गाइस, हम फाइनली क्या नाम था आशु की प्रॉपर्टी में आ गए हैं, जो गिफ्ट ने लीज पे ले रखी है। यहाँ पढ़ने आया था वो और ऐसे होते हैं बिजनेस माइंडेड और ऐसे पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने लीज पे ले ली एट दिस एज प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे भी अच्छे खासे रेट में आई होगी प्रॉपर्टी। हाँ हाँ भाई, कितने में ली यहाँ पे लीज पे? है साल का? अच्छा, ऐसा कुछ पेपर पे नहीं है क्या कि इतने साल तक हमारे पास ही रहेगी? अच्छा अच्छा, 1 लाख तो कुछ सही है, 1 लाख पे अगर लीज पे मिल रही है तो। और निकल जाता पैसा? पैसा निकल जाता है? तो ये बगल में कॉलेज है ना? ये लोग पनीर खाएंगे, फिर हम बिना पैसे दिए निकल जाएंगे दे देंगे यार तो वैसे खाना हो गया नॉन वेज वाले का। चलो गाइस, हम यहाँ से अब जा रहे हैं उसके अलोरा कैफे की तरफ और हमारे भाई की बड़ी बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, बहुत मजा आया। थैंक यू इस भाई की थी। चलो अब निकलते हैं हम यहाँ से। भाई ये वीडियो में जा रहा है सब। फाइनली हम यहाँ ऋषिकेश में पहुँच चुके हैं और क्या कहते हैं, हमारे साथ जिसको ऋषिकेश की तरफ आना था वो बिल्कुल आगे खड़ी हुई है, देखो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है सावधान रहें, फिर भी लोग सावधान नहीं रह रहे हैं। अब बताइए ऐसे अनपढ़ों के लिए गवर्नमेंट क्या करे? डेंगर जोन ये देखो,
डेंगर जोन है यहाँ पे बट आप देख सकते हैं यहाँ पे गंगा जी क्या लग रही हैं। ऑसम मैन फाइनली। बट हम लक्ष्मण झूला आए थे, लक्ष्मण झूला में कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए लक्ष्मण झूला अभी बंद पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम यहीं से वापस जाएंगे या रुकेंगे, आई डोंट नो, अब देखते हैं हम क्या करेंगे। अब ये सब ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है और मेरा ग्रुप तो वैसे भी थोड़ा बढ़िया वाला ग्रुप है, इनका पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर बीड़ी सिगरेट धूमपान आदि ना करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो बंदा कर रहा है खड़े होकर, क्या बताएं ऐसे लोगों को, मारने का मन करता है, हमारी धरती को नष्ट कर रहे हैं। बट छोड़िए गाइस, आप फोकस करें गंगा के व्यू पे। गाइस हम घर की तरफ जा चुके निकल चुके हैं, और निकलने से पहले हमने सोचा डिनर वगैरह कर लेते हैं क्योंकि घर पहुंचने में 2 बज जाएंगे, तो थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो हम यहाँ पे रुके हैं, पता नहीं क्या नाम है इसका, ग्रुप हब, ये ऐसे एंट्रेंस है, सब लोग अंदर जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, देखते हैं क्या खाएंगे। चलो मैं जब कुछ खाने के लिए ऑर्डर करेंगे, अब आता है तो फिर मिलते हैं। फाइनली हमारा क्या कहते हैं खाना आ चुका है, अपना खाना देख लो, चलो हम खाते हैं, ख़त्म करते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं। गाइस फाइनली हमारी ट्रिप ख़त्म होती है और मैं घर आ गया हूँ, और मैं अभी अपनी लिफ्ट में हूँ, ऊपर जा रहा हूँ 20th फ्लोर पे, अब जाकर आराम से सोऊंगा, और मैं वहाँ से घर वालों के लिए प्लम केक लेके आया हूँ, देखते हैं घर वालों को कैसा लगता है क्योंकि मेरे को तो अच्छा लगा नहीं। बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय।